उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय दलित किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 वर्षीय किशोरी जब खेत पर जा रही थी तभी चार युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गए। फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। चारों आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद बेहोशी की हालत में पीड़िता काफी देर तक जंगल में पड़ी रही और जब पीड़िता की तलाश की गई तो पीड़िता गन्ने के खेत में मिली। घर आने के बाद पीड़िता ने आप बीते अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं तीर्थ नगरी में 13 वर्षीय किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से एंटी रोमियो और महिला सुरक्षा की पोल खुल गई है। क्या नाम है? क्या मामला हुआ आपके साथ, बताना चाहोगी? चतुर्थी गए थे, जब लकड़ियों का लेने गए थे तब चार लोग चोरी में चले गए थे, मैं घुस गया था इसमें। मुझे कुछ ना पता चतुर्थी क्या जने थे वो चार थे और कुछ। फिर कैसे तुम्हारे घर को कैसे पता लगा? जब जब मैं लुके चना चाहिए तो मैं भाई आ गया जब वो भाग गए। आज रात्रि को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीर का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।